सॉरी, फोन कॉलिंग चालू रहती ना, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। अभी कंटिन्यू शुरू करती हूँ स्किन के लिए। पहले मैं आपको क्या बताने वाली थी कि स्किन के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बहुत सेंसिटिव रहती, फिर स्किन को कुछ लगाते ही रैश आ जाते, पिंपल्स आ जाते। बहुत स्किन ऐसी रहती है लेडीज की कि कुछ भी सूट नहीं करता है। तो ऐसे सिचुएशन में ना फ्रूट फेशियल अच्छा रहता है। फ्रूट फेशियल से क्या होता है कि नॉर्मल स्किन दिखने लगती है, लाल भी नहीं होती और रैश भी नहीं आते। तो आप फ्रूट फेशियल उनके लिए यूज कर सकते हो। फ्रूट फेशियल से स्किन भी अच्छी दिखती है और विटामिन सी भी हो जाती है उसमें ज़्यादा। उसके लिए तो स्किन आपकी अच्छी दिखती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई लेडीज को फेशियल ज़्यादा, मतलब आपने रफ हाथ लिए कि ज़्यादा किया तो उसकी वजह से भी रैश आ जाते हैं। तो आप उसको स्क्रब करो ही मत, क्योंकि स्क्रब से क्या होता है कि और डैमेज हो जाती है, उस पर लाइन भी आती है, फाइन लाइन्स, और उसको सूट नहीं करता। तो जिसकी भी सेंसिटिव स्किन रहे उसके लिए आप स्क्रब कम यूज किया करो। दूसरी बात है, आपको क्रीम भी जब आप लगाते हो सेंसिटिव स्किन के लिए तो थोड़े हल्के हाथ से मसाज करो उसको। ज़्यादा रफली मसाज करोगे तो उसकी स्किन और सेंसिटिव और ख़राब हो जाएंगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा हल्के हाथ से ही मसाज करना चाहिए, तभी स्किन अच्छी रहेगी। और आपको बोलने की बात यह है कि अभी कोई कोई लेडीज़ क्या करती है, कुछ भी लगाती रहती है स्किन के लिए, उनको मालूम थोड़ी होता है कि क्या। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू।